गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर आज मैं बात करूंगा कार्डियक अरेस्ट के बारे में आज मैं बात करूंगा कि हाउ कैन वी प्रिवेंट कार्डियक अरेस्ट इन यूथ दैट इज यंग पीपल आज की तारीख में बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं दैट यंग लोगों में कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है एंड कार्डियक अरेस्ट के चलते जाने जा रही हैं तो आज मैं कार्डियक अरेस्ट इन द यंग पॉपुलेशन इसके बारे में बात करूंगा जहां तक कार्डियक करेस्ट का सवाल है ये बात बिल्कुल सही है कि यंगस्टर्स में ये जो समस्या है यह धीरे धीरे बढ़ रही है द रीजन्स आर मेनी अगर हम ध्यान से देखें तो सीडेंट्री लाइफ इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ इंटेक ऑफ अल्कोहल स्मोकिंग इन हाइपर टेंशन दीज आर दिस्क फैक्टर्स जो ऐसा माना जाता है कि जो कार्डियोरेस्ट है उसकी पॉसिबिलिटी को हमेशा ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं अगर हम अमेरिकन हार्ट जर्नल के जो पब्लिश डेटा को देखें तो यह बोलता है that in past few years, there is rise, इसका मतलब है कि तीस चालीस साल की उम्र में एक सौ पैंतीस परसेंट राइज है इन

ट कैन आई मे कम टू एनी वन एट एनी एज इसलिए इन सर्टिन केसेज जो अरेस्ट है वो उन लोगों को भी आ जा रहा है जिन्हें हार्ट की कोई प्रॉब्लम किसी स्टेज पर नहीं थी नो क्या है क्या वास्तव में अरेस्ट? जो कार्डियेस्ट है ये आपका जो हार्ट है उसने सडनली काम करना बंद कर दिया जैसे ही काम करना उसने बंद किया तो ब्लड सप्लाई बंद हो गई जैसे ही हार्ट ने काम करना बंद किया तो ब्रीदिंग बंद हो जाएगी सांस बंद हो जाएगी और जैसे ही सांस बंद होगी बेहोशी आ जाएगी या अनकॉन्शियस हो जाएगी तो हार्ट का फंक्शन बंद हुआ ब्रीदिंग खत्म हो जाएगी सांस बंद होगी और उसके बाद अनकॉन्शियसनेस आ जाएगी ये वास्तव में जो हार्ट है उसका जो इलेक्ट्रिकल जो एक डिस्टर्बेंस उसके चलते इस तरह की प्रॉब्लम होती है इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस हुआ हार्ट ने काम करना बंद किया इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस के चलते जो हार्ट का पंप है वो फेल हो गया उसने ब्लड को सप्लाई करना बंद किया एंड आपकी जो पूरी बॉडी है उसको ब्लड का जो फ्लो है वो बंद हो गया ये जो इस तरह की प्रॉब्लम खड़ी होती है वास्तव में जो हार्ट की जो एक एक रिदम होती है या एक जो जो हार्ट की काम करने की प्रक्रिया होती है उसमें गड़बड़ी के चलते आती है इसे कार्डियक कार्डियरिदमिया भी कहते हैं जिसके चलते ये प्रॉब्लम आती है एंड सब माना जाता है कि यह कुछ तरह की प्रॉब्लम है जो जान लेने की ताकत रखती है नौ ये बात बिल्कुल सही है कि इस बहुत क्रिटिकल है क्योंकि जब भी इस तरह की प्रॉब्लम खड़ी होगी हार्ट का जो काम करने का काम आई मीन प्रक्रिया बंद होगी तो जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो ब्रेन की तरफ नहीं जाएगा और जो जैसे ही ब्रेन की तरफ नहीं जाएगा तो बहुत शॉर्ट टाइम में हमेशा ब्रेन डैमेज होने का डर रहता है ब्रेन डैमेज जैसे ही होगा एक जान जाने का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है इसलिए टाइम इज वन ऑफ द वेरी क्रूशियल इश्यू जो टाइम है वो इतना क्रूशियल है दैट साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि इफ

तीनों है तो रिस्क फैक्टर और ज्यादा है अगर आपकी लाइफ स्टाइल सीडेंट्री है आप स्मोक करते हैं आप ओबेज हैं मोटे हैं बीएमआई ज्यादा है तो ये रिस्क फैक्टर है और ऑलरेडी आपको हार्ट की प्रॉब्लम है जिसके चलते आपका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है तो ये आपके लिए रिस्क फैक्टर है ये आपको समझने की जरूरत है नो, जहां तक कार्डियक अरेस्ट का सवाल है मोस्ट ऑफ द टाइम ये सडनली आता है लेकिन कभी कभी ये थोड़े से वार्निंग देता है जिन्हें हम कभी नजरअंदाज कर जाते हैं एंजाइटी इज वन ऑफ देम जो वार्निंग साइन में माना जाता है चेस्ट पेन फॉर मोमेंट इज वन जो आई मीन वार्निंग साइन में माना जाता है कभी कभी फेंटिंग अटैक्स आते हैं फॉर शॉर्ट टाइम जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्वेटिंग इनको हम नजरअंदाज कर जाते हैं वीकनेस डिजीनेस एंड लाइट हेडेडनेस ये भी कभी कभी सिम्टम्स हैं जो वार्निंग साइन के रूप में माने जाते हैं नौ अगर ऐसा होता है कि सडन किसी को कार्डियो अरेस्ट हुआ एंड सडन उसके लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस हुए तो सबसे पहला जो काम करने की जरूरत है दैट इज जिसे कहते हैं सीपीआर सीपीआर जो CPR है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हर आदमी को समझने की जरूरत है जो सीपीआर है वास्तव में इसे कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक इसमें सिर्फ करना इतना है कि जो पर्सन है जो बेहोश हो गया है उसको दिखाई दे रहा है उसको रिस्टोर किया जा सके जब तक कि मेडिकल जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं हो जाती है वास्तव में लाइफ सेविंग एड माना जाता है इन ये शायद सभी को आना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आपने अर्ली फेज में इसको चालू कर दिया जैसे ही कोई आदमी को इस तरह की प्रॉब्लम हुई कि सडनली फेंट हो गया आपने इसको अगर चालू किया तो जान बचाने की जो संभावना है वो काफी ज्यादा होती है साइंटिफिकली अगर आप सीपीआर विद इन सिक्स मन सिक्स मिनट्स आप परफॉर्म कर लेते हैं तो साइंटिफिकली जो ना पेशेंट के अलाइव होने की जो संभावना है जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आ जाती है काफी ज्यादा होती है नो जैसे ही वे पेशेंट सीपीआर के साथ मेडिकल किसी फैसिलिटी में आई I मीन mean, शिफ्ट होते हैं तो सेकंड वन जो कंडक्ट किया जाता है इज इज द डिफिब्रिलेशन डिफिब्रिलेशन बेसिकली जो हार्ट के के ऊपर एरिया पर हम एक जो ना इलेक्ट्रिकल करंट देते हैं और जो इलेक्ट्रिकल करंट है इसका पर्पज यह है कि मोमेंट मोमेंट के लिए जो हार्ट की एक्टिविटी है या जो इसको जो रिदम जो गड़बड़ हुई है उसको बंद किया जाए और एक नॉर्मल रिदम धीरे से चालू हो जाए तो बाई एंड लार्ज नाइनटी पेशेंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम

ध्यान देने की जरूरत पड़ती है हमें हम उन्हें करते हैं अगर हार्ट अटैक आया है तो उसको ट्रीट करते हैं अगर हार्ट फेलियर डेवलप हुआ है तो उसको ट्रीट करते हैं और कोई इलेक्ट्रोलाइट जो है उसको ठीक करते हैं तो वास्तव में सीपीआर चाहिए उसके बाद में डिफिब्रिलेशन चाहिए और इमरजेंसी रूम में प्रॉपर एक मैनेजमेंट चाहिए आप दी कार्डियक प्रॉब्लम और एक बार आप इंप्रूव कर जाते हैं तो एक लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट हमें देखने की जरूरत पड़ती है कि कार्डियक अरेस्ट का व्हाट वाज़ द रीजन बिहाइंड दैट्स नंबर वन एंड क्या प्रिवेंशन ऑफर किया जा सकता है सो so दैट इस तरह की जो कैलेमिटी है आपको फ्यूचर में दोबारा ना हो बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको इसको प्रिवेंट करने की जरूरत है प्रिवेंट करने के लिए आपको एक हार्ट की जो हेल्थ है उसको प्रॉपर मेंटेन करने की जरूरत है अगर हम इस ऑनगोइंग पेंडेमिक को ध्यान से देखें तो जो सीडेंट्री लाइफ है इन द यूथ यह बहुत ज्यादा हो गई है. ये बात बिल्कुल सही है कि वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में एक जो आई जो, मीन जो, I mean, फिजिकल एक्टिविटी है वो नीचे की तरफ आई जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो चेंज हुई हाई कैलोरी फूड हुआ जो आई I मीन mean, फैटी फूड इंटेक वो ऊपर की तरफ गया एंड जो अल्कोहल का इंटेक है वो ऑन एन एवरेज हैज इंक्रीज इन ऑन गोइंग पेंडेमिक उसको सबको ठीक करने की जरूरत है इन द सेंस कि आपको हार्ट हेल्दी डाइट चाहिए आपको जो ना ऑयली सुगरी हाई कोलेस्ट्रॉल जो फूड है उसको अवॉइड करने की जरूरत है आपकी जो डाइट है उसमें होलसम ग्रेन्स होने चाहिए उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स होने चाहिए फ्रूट्स होने चाहिए इन ओमेगा रिच फैटी फूड जो है ना होने की संभावना की जरूरत है इसके अलावा वो सब अपनी जगह है कि आपको वर्क फ्रॉम होम करना है इसके अलावा आपको रेगुलर एक्सरसाइज करने की जरूरत है बिकॉज फिजिकल जो एक्टिविटी है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है साइंटिफिकली चाहे आप होम की सेटिंग में करें चाहे आप आउटडोर में एक्सरसाइज करें बट साइंटिफिकली थर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट्स आपको फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल एक्सरसाइज करने की जरूरत है जहां तक हार्ट के हेल्थ के मेंटेन करने का सवाल है साइंटिफिकली यह रिकमेंडेशन है कि आपको योगा जैसी चीज अडॉप्ट करना चाहिए आपको मेडिटेशन प्राणायाम जैसी चीज अडॉप्ट करना चाहिए इन ऑन एन एवरेज आपको 22 30 मिनट्स इसमें भी इन्वेस्ट करने की जरूरत है अगर आपको जो अल्कोहल का इंटेक है या तो बंद करने की जरूरत है या उसको मिनिमाइज करने की जरूरत है एट फ्रेंड्स मैं चाहता हूं आप इस को समझें दैट इन दंगर पॉपुलेशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम सडन अरेस्ट

एन एनी टाइम एल्स तो अगर हम ध्यान से देखें कि अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तब तो आपको सतर्क होने की जरूरत है ही लेकिन अगर हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है तो भी आपको सतर्क होने की जरूरत है इन सब फैक्टर्स को देखते हुए इसके अलावा जो कोरोना वायरस का जो इंफेक्शन है

अगर आप समझते हैं कि यंग पॉपुलेशन में कार्डियक अरेस्ट की जो प्रॉब्लम है जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज होते चली जा रही है उसको समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर थैंक यू वेरी मच